गुड आफ्टरनून एवरीवन। पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज में अगेन आई एम गोइंग टू वेलकम यू। दोस्त हु हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट एंड देन क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट ऑल द न्यू नोटिफिकेशन कैन बी गिवन टू यू एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम व्हेन एवर आई एम गोइंग टू अपलोड द वीडियोज। नाउ चैप्टर नंबर वन पे स्टूडेंट वी हैव स्टार्टेड एंड लास्ट वीडियो वट आई हैव अपलोडेड इट वॉज द इम्यूटेबल एंड द म्यूटेबल डेटा टाइप्स। उसमें कॉन्सेप्ट जो इम्पोर्टेंट था वो ये था कि इम्यूटेबल क्या होता है। क्लियरली आई हैव गिवन द कॉन्सेप्ट कि कोई भी एक वैसा वेरिएबल इफ इट इज़ नॉट हैविंग एनी अपडेशन इन अ प्रोग्राम डैट आर द इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। एग्जाम्पल वॉज इंटीजर, फ्लोट वेरिएबल, कैरेक्टर वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल, ये कभी भी अपनी लोकेशन को अपडेट नहीं करती। नाउ If any doubt will be there in the video number 3, you can give the comment to me so that I should give the proper respond for your respective query. Clear? Now starting with the next topic, with the chapter number 1. Today, student, we are going to cover this topic, input and output operation in Python, explicit typecasting and implicit typecasting. These three are the important one. Isme ho sakta hai ki maybe you have understood this concept in the previous class, but देर आर फ्यू मोर कॉन्सेप्ट लाइक एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट जो आपके लिए इस बार इंपॉर्टेंट होंगे। क्लियर? प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है, सो आई ट्राई टू गिव द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन सो डैट आपको ये भी क्लियर समझ में आना स्टार्ट हो जाए। क्लियर? सो आप ये मान के चलेगा डेट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ओनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्चुअल प्रोग्रामिंग पार्ट ऑफ द पाइथन। सो दोज हु आर न्यू इन द प्रोग्रामिंग और दोज हु थिंक दैट वी आर ऑलरेडी वी हैव डन बट स्टिल दीज देर आर सम पॉइंट्स विच आई हैव टू फोकस ओवर देयर जो आपको समझ में आने चाहिए एंड इवन फॉर द लेमैन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू स्टार्ट। क्लियर? सो स्टार्टिंग विद दिस इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन, बेसिकली व्हेन वी आर गोइंग टू रन एनी प्रोग्राम, हम प्रोग्राम को रन करते हैं। अगर आप एक ATM का सॉफ्टवेयर लीजिए, इफ़ यू यूज़ द ATM सॉफ्टवेयर, उसमें व्हेन यू आर गोइंग टू इंसर्ट अ ATM कार्ड ओवर द ATM मशीन, द ATM मशीन इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट द पिन कोड नंबर। अब पिन कोड नंबर पूछा गया तो यूजर इज हैज़ टू गिव द पिन कोड नंबर एंड इवन द ATM मशीन इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट द अमाउंट यू विच यू वॉन्ट टू विदड्रॉ, वो भी मैंने उसमें लिखा। तो यूजर हर समय कुछ उसको दे रहा है, ठीक है, इनपुट इज गिविंग बाय द यूजर एंड, लेकिन इफ एवरीथिंग विल बी प्रॉपरली ऑथेंटिकेटेड बाय द ATM मशीन इज गोइंग टू विदड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम इट्स एंड, तो वो आउटपुट आ गया। तो प्रोग्राम भी कुछ ऐसा वर्क करता है। ATM मशीन क्या है? प्रोग्राम ही तो है। सेम उसी तरीके से आप व्हाट्सएप का यूज कर रहे हैं, इफ यू आर यूजिंग द व्हाट्सएप, you are saying hi to your friend, that means you have given the input. Now WhatsApp will receive your hi, और अगर receiver is going to check your message, उसको मिल गया उसका reply, means message मिल जाता है, receiver is going to give the answer as a reply. So that means this input and output processing everywhere we generally get this one. If I'm going to ask you the question and you are giving me the reply, again that is the input output processing is going on. So ये जो process है basically ये हर जगह है, so that is not a new topic. Because in real world we always face this input and output operation. But Python में कैसे होता है ये हम चेक करेंगे, because programming में that is the simplest program which we have to start first. Clear? But I'll going to discuss few points जो आपको याद करने होंगे, समझने होंगे कि ये points basically क्या है. So starting with this one, students, now I'm going to switch over the Python IDLE so that the programming concept will be clear to you. Now starting with the first Python program, that how to input a value. First of all, let me clear you one thing, students. If I have to print something on the screen, like I am printing right now, hello world, this message I want to print on the screen, so this is the way how we are going to define this print hello world. Aapko pata hai. Clear? That is not a new concept to you. Now, this is the way answer is going to be replaced. I'm going to save this program, then that will be the answer on the screen, hello world. But now the thing is that after printing this answer, ये the output generation हो गया, लेकिन इसका जो input generation है वो कैसे किया जाता है? Now there are two options, either I should fix the value in a program and then I should run my program. For example, let's say I have taken x equals to 4 and then I'm using print x. So what should be the answer on the screen? That will be 4. Clear to everyone? Now, but that basically is the static method for inputting any value. Matlab,
इस प्रोग्राम में लिमिटेशन क्या है कि अगर मुझे एक्स की वैल्यू को यूज़ करना होगा, आई कैन ओनली यूज़ द वैल्यू ऑफ एक्स बाय 4 ओनली, मैं इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकता हूँ व्हेन आई एम गोइंग टू रन द प्रोग्राम। अगर व्हाट्सएप आपको ये कहे कि आप केवल व्हाट्सएप के मैसेज ब्लॉक में हेलो ही लिख पाओगे, तो क्या व्हाट्सएप इतना पॉपुलर होता? जस्ट थिंक ओवर इट। व्हाट्सएप की पॉपुलरिटी का रीज़न क्या है? दैट व्हाट्सएप इज हैविंग द डायनेमिक फीचर। द मीनिंग ऑफ डायनेमिक फीचर इज एनी इनपुट, योर टेक्स्ट, योर पैराग्राफ, योर इमेजेस, योर वीडियोस, यू कैन सेंड एनी फॉर्म ऑफ डेटा ओवर द व्हाट्सएप। सेम थिंग पाइथन के पास भी ये फीचर है और एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज हैविंग द सेम फीचर कि इनपुट को डायनेमिकली कैसे इनपुट किया जाए। हाउ आई एम गोइंग टू गिव द इनपुट ड्यूरिंग द रन टाइम एंड इट कैन बी एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकता है। तो डैट मीन्स एक्स इक्वल्स टू 4 पे ही हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगा, इट कैन रन इन एनी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, एनी कंडीशन ऑफ द प्रोग्राम। सो हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, लिसन, सपोज डैट आई हैव टेकन अ वेरिएबल नम। नम क्या है? सेकेंड वीडियो RNT5 प्लेयर। नाउ नम इज बेसिकली वर्ड, नम इज अ वेरिएबल विच आई एम टेकिंग राइट नाउ एंड आई एम गोइंग टू इनपुट द वैल्यू, इनपुट द वैल्यू। और इनपुट इज बेसिकली वर्ड, इट इज अ फंक्शन। जस्ट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, नम इक्वल्स टू इनपुट एंटर द नंबर, और आपने नंबर को एंटर किया है। क्लियर? नंबर एंटर करने के बाद अगर आप चेक करें इस चीज में, तो नंबर जब एंटर हुआ है तो दैट इज बेसिकली वॉट, नम वन, ये आपके पास पहला नंबर है। एंड अगेन आई एम गोइंग टू एड द सेकेंड नंबर, आई एम गोइंग टू इनपुट द सेकेंड नंबर एंड दैट इज नम टू राइट नाउ। देन अगेन वन मैसेज ऑन द स्क्रीन, एंटर द नंबर। नाउ आई हैव टेकन नम 3 which is going to add the value of num1 plus num2, num1 plus num2. Then we will have the answer on the screen and that will be num3. That will be actually num3. Clear? That will be num3. Now, starting with this concept, if I am going to run the program, program ko run kiya jayega, toh I am going to enter the value of num. First value, second value, and then the summation of the answer is going to print on the screen. Clear? Now, starting with this one, what actually is this input? That is a function. ये एक function है, इसका एक special meaning है, और I can say that is a keyword. जो pinkish form में है, that is a keyword. तो input enter the number, num2 equals to input enter the number, mean first number and second number. आप दो बार input कर रहे हैं. तो that is a basic method that how we are going to input a value over the program. प्रोग्राम चलेगा उसको इन वैल्यू चाहिए। वैल्यू को अगर मैं बाय द कीबोर्ड इफ आई एम गोइंग टू एंटर द वैल्यू, दैट विल बी गिवन बाय द इनपुट फंक्शन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? लेकिन आप आउटपुट देखते हैं दैट हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। फॉर योर कन्वीनियंस आई एम गोइंग टू ऐड एंटर द फर्स्ट नंबर एंड देन इन द सेकंड टाइम आई एम गोइंग टू हैव द सेकंड नंबर। नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम। व्हाइल रनिंग दिस प्रोग्राम आई एम गोइंग टू ऐड द फर्स्ट नंबर। माय फर्स्ट नंबर इज 12 एंड माय सेकंड नंबर इज 20। So I think the answer should come 32 on the screen. So now just check it out. The answer is coming 1220. So agar aap isko check kare 1220, is it correct or not? Answer should be 32 because main sum kar raha hu, do number ko sum kar raha hu, but answer is not coming in the same form. Now isme ek limitation hai. Now we will check the limitation over there. And the limitation is, अगर आप num1 की बात करें, मैंने इसको इनपुट किया है, num2 को भी इनपुट किया है, तो जब मैं बाय डिफॉल्ट कुछ इनपुट करता हूँ, जस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग व्हाट आई एम सेइंग, इफ बाय डिफॉल्ट आई एंटर द वैल्यू इन दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट, व्हाटएवर नंबर आई एम एंटरिंग राइट नाउ दैट विल नॉट बी ए नंबर। अब ये कंट्रडिक्शन है, प्रोग्राम आपसे पूछ रहा है कि एंटर द नंबर, बट व्हेन आई एम गोइंग टू एंटर एनी नंबर दैट इज नॉट एक्सेप्टिंग एनी नंबर। जस्ट अंडरस्टैंड, दैट मीन्स By default मतलब पहले से, by default every input is considered as what? As string. मतलब आपने कुछ भी input किया, but if you are using such kind of statements, आप कुछ भी enter कीजिए, 82.2, 12, hello, world, ये जो भी आप input कर रहे हैं वो string ही consider किया जाएगा, वो स्ट्रिंग होगा। डैट मीन्स व्हेन आई हैव एंटर्ड 12 तो वो स्ट्रिंग माना गया, ना कि इंटीजर। व्हेन आई हैव एंटर्ड द सेकंड नंबर 20, दैट अगेन हैज बीन कंसीडर्ड एज स्ट्रिंग, नॉट अ नंबर। सो जस्ट कंसीडर वन थिंग, अगर स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग करेंगे तो सम तो नहीं होगा।
सो अगर हम 12 प्लस 20 करेंगे दैट विल नॉट बी 32 इफ इन केस ऑफ स्ट्रिंग आई एम टॉकिंग अबाउट दैट विल बी व्हाट दैट इज गोइंग टू कनकैटिनेट बोथ द स्ट्रिंग सो फर्स्ट स्ट्रिंग इज 12 सेकंड वन इज 20 सो 12 प्लस 20 विल बी 1220 इज इट क्लियर स्टूडेंट्स सो दैट एक्चुअली इज द रीजन दैट हाउ द आंसर इज कमिंग इन दिस वे सो इसमें आप समझ लेना पाइथन में इफ नॉर्मली वी आर गोइंग टू इनपुट एनी वैल्यू अगर हम नॉर्मली कुछ भी वैल्यू को इनपुट करते हैं तो डेट ऑलवेज इज कंसिडर एज अ स्ट्रिंग एंड डेट इज एक्चुअली द आंसर 33 प्लस 56 द आंसर विल बी 3356 क्लियर नाउ हाउ टू अवॉइड दिस वन बिकॉज वी आर मेकिंग अ नॉर्मल कैलकुलेशन हम एक अर्थमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म कर रहे हैं सो वी कैन नॉट रिलाई ऑन दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स सो देन वट वी कैन डू हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा स्टेटमेंट ऐड करेंगे स्टूडेंट हमारा टॉपिक चल रहा है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस आउटपुट के लिए प्रिंट का यूज़ करते हैं इनपुट के लिए बेसिक मेथड इज इनपुट लेकिन इनपुट में भी लिमिटेशन आ रही है बिकॉज मैं न्यूमेरिकल एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूँ इसमें बिकॉज वो स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है नाउ इन दैट केस स्टूडेंट व्हाट वी आर गोइंग टू हैव देन नाउ जस्ट अ स्टेटमेंट इंट इंट फॉर इंटीजर बिकॉज राइट नाउ आई एम कंसिडरिंग दैट माई फर्स्ट नंबर इज एन इंटीजर वैल्यू इंटीजर मीन नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू सेम थिंग इज दैट इफ आई एम गोइंग टू हैव द सेकंड नंबर नम टू I am going to define it by int. Int again is a function and that is basically enclosed in this way. So, अब इसको समझेगा आप input पे तो work नहीं कर पाया क्योंकि वो दोनों को string मानकर concatenate कर रहा था combine कर रहा था हमें combine नहीं चाहिए हमें तो actual calculation चाहिए That's why before the input function I have placed one int method and this int method says that कि input आपका integer form में ही किया जाएगा Now we will check the answer on the screen how it is going to work. Now my first number is 12 and second number is of mine is 20. Earlier it was giving 1220. Now just check the answer on the screen. That will be 32. That means what is going on right now? It is going to print the sum of these two numbers. Lekin ye kab hua? Ye tab hua jab humne input function se pehle humne cascading form mein ek aur integer function ko add kiya. So this is a very simplest way that how at while running the program how we can input any value to the program lekin value mein bhi agar humne simple input ka use kiya to then the problem is that integer and integer is will not be considered that will be considered by string integer lagane se kya hoga basically wo usko convert karega and then only that will be converted that input will be accepted as a integer value one more case student I'm going to discuss you right now Suppose that my first number is 22.5 or 6 and my second number. Now listen just, there is one problem in the program instance. मैंने 22.6 को enter करा है और ये एक error दे रहा है कि invalid literal for integer. Now just find out that what actually is the error right now, value का error है. I am entering 22.6 but what it need? It need an integer type of value. And 22.6 is not an integer value. That is a fractional value. Or we can say that is considered as a float value. Yeh float value hota hai. Toh agar yeh float value hai students. Toh just understand this concept. Now this method gets failed over there. So now what will work? Now we have one more function. And that is eval. Eval function. And then. Here again I am going to use the eval function. Eval ka matlab hai basically. Integer as well as a float value. Fractional as well as a non-fractional value can easily be stored in the variable num1 and num2. So, jaise hi main keyboard se kuch bhi enter karunga, either fractional or either non-fractional value, these value can easily get stored on the variable num1 and num2. Clear? So, now just check it out over there, how it is going to work. Now, I'm going to have the value like 11.2. Just wait a minute, some problem is going on. 11.2. My first number. Now no error is there. That means ye method best work kar raha hai. My second value is 12.5. Now my answer is 23.7. So float value ke liye hum isko consider karenge. Aur basically what I will suggest ki ab har jagah is method ka use kare. Kyunki ye dono value pe work karta. Now we will check about the integer value. Listen. Now when I am going to perform the addition of 24 plus 12. What should be the answer on the screen? 36. Yes, we work kar raha hai. So eval jo hai. वो फ्रैक्शनल नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू पे इजीली वर्क करता है लिमिटेशन इज विद द इंटीजर फंक्शन बिकॉज इंटीजर फंक्शन कैन नॉट रिलाई ऑन बोथ द टाइप ऑफ डेटा टाइप इसको केवल इंटीजर वैल्यू ही असाइन करनी होगी
नाउ स्टूडेंट आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि इनपुट लगाने से हर एक इनपुट जो हम देंगे वो इन वेरिएबल नंबर नंबर टू पे स्ट्रिंग फॉर्म में जाएगा। इंट लगाएंगे तो इंटीजर फॉर्म में जाएगा, ईवेल लगाएंगे तो इंटीजर प्लस फ्लोट या फ्रैक्शनल प्लस नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू पे वो स्टोर किया जाएगा। ठीक है, सो दैट एक्चुअली इज अ वे दैट हाउ दीज कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कैन ईजिली वर्क। सम एक्टिविटी आई विल गिव एट द लास्ट, बट दैट इज अ बेसिक टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। क्लियर? सो नाउ स्टूडेंट कमिंग टू दिस पॉइंट, सो बिल्ड इन फंक्शन में हम जो इनपुट करते हैं उसमें हमने पहले डिस्कस किया अबाउट द इनपुट फंक्शन। लिमिटेशन क्या था कि स्ट्रिंग के लिए तो बेस्ट है, लेकिन अगर कुछ और टाइप का डेटा हम उसको शेयर करेंगे तो वो कुछ प्रॉब्लम उसको आ सकती है। इंटीजर ओनली फॉर द इंटीजर वैल्यू, नॉन फ्रैक्शन वैल्यू एंड ई वैल फॉर द नॉन फ्रैक्शनल एंड द फ्रैक्शनल वैल्यू। जैसे अंडरस्टैंड वन थिंग, दिस इंटीजर एंड ई वैल इज हैविंग आई एंड ई एज अ स्मॉल केस फ्रॉम द प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? नाउ one activity I'm giving you, you can simply make a program where you will input two numbers and it should show their addition and product. Easy hai, ho jayega. In that case student, either we cannot use only the input method, because input method mein fir ye kuch aur problem create karega, because string ko consider kiya jayega by the program. In that case student, what we will do, we will use method either integer int or either eval method, then only it will work properly in the program. Clear? So now students, the most important topic from this video series, from the chapter number 1, I'm going to start right now, and that is the explicit typecasting and implicit typecasting. Students, ko samajhne ke liye first of all, just leave this point, or what actually is the explicit and implicit, that we will discuss with the help of the program only. But first of all, we'll start with this first topic, that is automatic typecasting. Your topic is implicit typecasting and explicit typecasting. But Before that, I'm going to start with the typecasting method. Listen now, students. So typecasting kya hai? When in a program, one form of data is converted into another form. Now, what are the actual form of data? Int hai, float hai, character hai, स्ट्रिंग है, लिस्ट एंड मैनी मोर आर देयर, वी नो दीज कॉन्सेप्ट्स। कोई भी एक फॉर्म का डेटा अगर बाय सम मेथड वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द अनदर फॉर्म, मेरे पास एक इंटीजर टाइप का डेटा है जो किसी वेरिएबल पे स्टोर है, अगर मैं उसको किसी मेथड के थ्रू उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दूंगा या वाइस वर्सा कंडीशन इज देयर, किसी एक स्ट्रिंग को मैं लिस्ट में कन्वर्ट कर दूँ, लिस्ट को मैं डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दूं, या एनी कंडीशन, तो ये जो चेंजिंग ऑफ डेटा फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म होता है, इसको हम टाइप कास्टिंग कहते हैं। टाइप कास्टिंग मीन्स डेटा टाइप कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना। क्लियर? सो टाइप कास्टिंग इज अ सिंपल डेफिनेशन कि चेंजिंग वन फॉर्म ऑफ डेटा इनटू द अनदर फॉर्म इज नोन एज टाइप कास्टिंग। लेकिन पाइथन सपोर्ट्स टू टाइप्स ऑफ कास्टिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, पाइथन जो है इट इज हैविंग टू टाइप्स ऑफ कास्टिंग, वेयर द फर्स्ट वन इज इम्प्लिसिट एंड सेकेंड वन इज एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। क्लियर? सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। Okay, now listen. What actually is the explicit typecasting that we will discuss with the help of the program only. Listen. Now, starting with this program, listen. Suppose that we have a number x equals to 8. Okay? Or either we can make this program with the help of the... I can make the program in this way.
ओके चलिए इसी में वर्क करते हैं. सपोज दैट आई हैव द नंबर x इक्वल्स टू 8. इफ आई एम गोइंग टू आस्क यू दैट व्हाट एक्चुअली इज द टाइप ऑफ x, x का टाइप क्या है, तो आई थिंक दिस इज अ वे हाउ वी कैन चेक द टाइप ऑफ x. टाइप का मतलब है कि वो किस तरह का वेरिएबल है, तो वो एक इंटीरियर तरह का वेरिएबल है, वो आपको वेरीफाई भी हो रहा है स्क्रीन पे. क्लियर, वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप कास्टिंग. नाउ इन दिस प्रोग्राम x एक वेरिएबल है जिसके पास एक इंटीजर वैल्यू है, एंड दैट एक्चुअली इज अ इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल दैट इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन. नाउ द थिंग इज दैट इफ आई एम गोइंग टू टाइप कास्ट दिस वेरिएबल x, अगर मैं इसको टाइप कास्ट करता हूँ, तो टाइप कास्ट करने का मतलब क्या होता है ये हम चेक करते हैं. लिसन, दिस इज द वे हाउ वी आर गोइंग टू टाइप कास्ट दिस मेथड. सो इफ आई एम गोइंग टू हैव द कंडीशन लाइक प्रिंट float, float, just understand this concept, x. Now what I have done, मैंने x variable जो type int है और उसका जो data value है वो 8 है, उसको मैंने float में share किया है. Float is again a function और उसमें मैंने एक parameter pass किया जो जो कि x है. So we will check the answer on the screen. What is the answer on the screen? 8.0. But the earlier x was 8. Now by the function float of x, it is showing answer 8.0. तो इससे आपको क्या समझ में आता है? इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि मैंने इसी प्रोग्राम में डेटा के एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट किया है. My first type was 8, integer, and now my second type is 8.0. Is it clear, students? So ये इस तरीके से वर्क करेगा. We can have the second condition like y equals to 7.6. Now, if I'm going to have the condition like y equals to 7.6, so अगर मैं टाइप चेक करता हूँ तो टाइप ऑफ y, द टाइप ऑफ y, दैट विल बी what? Float वैल्यू. क्लियर, अब मैं इसमें कुछ चेंजेस कर रहा हूँ. चेंजेस इज प्रिंट, कुछ चेक करते हैं. मैं इस y को कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ. मैं कन्वर्ट क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ. तो इंटीजर में जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा, when I'm going to convert it into the integer form, the answer on the screen will be what? 7 on the screen. That means before the decimal place there is one number 7. So 7 ko hi consider kiya jayega decimal, and after the decimal the values will be ignored by the interpreter. Clear? So agar aap is program ko, is do program, maine do program ko dikhaye hain. The first program is up to here and then the second program is up to here. Agar aap dono program ko check kare, दोनों प्रोग्राम में देर इज वन थिंग कॉमन, एंड द कॉमन इज हमने पहले प्रोग्राम में इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट किया, एंड इन द सेकंड प्रोग्राम वी हैव कन्वर्ट अ फ्लोट वैल्यू इनटू द इंटीजर वैल्यू. तो ये डेटा का कन्वर्जन है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. इन द फर्स्ट फॉर्म वी आर हैविंग द प्रोग्राम ऑफ इंटीजर टू फ्लोट, इन द सेकंड फॉर्म वी हैव मेड द प्रोग्राम फ्रॉम फ्लोट टू इंट. तो अगर आप दोनों में ऑब्जर्व करें, ये टाइप कास्टिंग है. टाइप कास्टिंग है क्योंकि इसमें हमने वन फॉर्म ऑफ डेटा को अनदर फॉर्म में कन्वर्ट किया, जो कि डेफिनेशन ऑफ टाइप कास्टिंग है. बट यू जस्ट ऑब्जर्व दीज टू प्रोग्राम, इसमें मी एज ए प्रोग्रामर, आई एम मेकिंग द प्रोग्राम, डेट मीन्स आई एम ए प्रोग्रामर. मैंने मैनुअली इसमें कुछ ऐसे स्टेटमेंट लिखे बाई विच द टाइप ऑफ डेटा शुड बी चेंज. फॉर एग्जाम्पल, यू जस्ट चेक द हाईलाइट टेक्स्ट प्रिंट फ्लोट एक्स, ही मैंने लिखा है, मतलब मैंने x को फ्लोट में कन्वर्ट किया है. इन दिस लाइन ऑल्सो आई हैव डन प्रिंट इंट y, मी एज ए प्रोग्रामर. तो एक ऐसा डेटा कन्वर्जन जो मैनुअली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा बाय द प्रोग्रामर इटसेल्फ, मींस आई एम डूइंग दीज एक्टिविटीज, तो मैंने इसको किया. तो अगर प्रोग्रामर खुद से कुछ करेगा, डैट मीन्स वॉट, डैट इज एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, दिस वन. तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग इज बेसिकली मेथड इन विच डेटा कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बट प्रोग्रामर हैज टू पुट द एफर्ट ओवर देयर. प्रोग्रामर अपने आप करेगा, प्रोग्रामर की ड्यूटी है हाउ द डेटा कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. क्लियर, तो डेट एक्चुअली इज द एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वी हैव द इम्प्लिसिट. नाउ जस्ट फोकस ओवर द इम्प्लिसिट. अब इम्प्लिसिट इसका अपोजिट होना चाहिए. जब एक्सप्लिसिट प्रोग्रामर कर रहा है तो इम्प्लिसिट कौन करेगा,
कौन करेगा? मैनेजर? नो वन. इम्प्लिसिट इज बेसिकली व्हाट? इम्प्लिसिट भी टाइप कास्टिंग है. मीन्स डेटा हैज टू कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. ये इम्प्लिसिट का मेथड. लेकिन यहां पर प्रोग्रामर विल नॉट इंटरफेयर फॉर दिस कन्वर्जन. देन हु विल इंटरफेयर? देन वी हैव आवर फ्रेंड नोन एज इंटरप्रेटर. यहां पर इंटरप्रेटर इंटरफेयर करेगा. मीन्स इंटरप्रेटर अपने आप चेंज करेगा डेटा फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. क्लियर? सो डेटा कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बाय द प्रोग्राम बाय द इंटरप्रेटर इटसेल्फ इज नोन एज इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग. एंड आई थिंक इसमें प्रोग्राम तो बनता है. नाउ स्टार्टिंग विद दिस प्रोग्राम, लिसन. सपोज डैट आई एम मेकिंग अ प्रोग्राम वेयर आई एम हैविंग आई इंटीजर वेरिएबल विद अ वैल्यू एज 6. देन अगेन आई एम हैविंग अ वैल्यू y इक्वल्स टू 6.8. देन वी हैव द थर्ड वेरिएबल z विद द समेशन ऑफ x प्लस y. सो नाउ वी हैव टू प्रिंट द आंसर ऑन द स्क्रीन. दैट इज द सम ऑफ x एंड y. एंड दैट ऑन द स्क्रीन विल बी व्हाट? विल बी z. नाउ जस्ट पे अटेंशन इन दिस कॉन्सेप्ट. अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आंसर इज कमिंग 12.8. यू जस्ट चेक द लास्ट लाइन ऑफ द एडिटर. सम की वैल्यू 12.8 प्रिंट हो रही है. नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. लिसन, x 6 है, y 6.8 है एंड द वैल्यू ऑफ z इज x प्लस y. तो अगर आप चेक करें व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ z, माय क्वेश्चन टू यू इज कि z का टाइप क्या होना चाहिए. देखिए x का टाइप इंट होगा, दिख रहा है. y का टाइप फ्लोट होगा. तो इंटीजर प्लस फ्लोट का टाइप क्या होना चाहिए? दैट एक्चुअली इज द क्वेश्चन. सो नाउ इसको हम चेक कर लेते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू राइट नाउ. इसको आप चेक कीजिए, खुद आपको मैनुअली दिखेगा कि इसका टाइप क्या होना चाहिए. टाइप ऑफ z. नाउ व्हेनेवर आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम, नाउ व्हाट इज द टाइप ऑफ z इज टू जस्ट चेक द स्क्रीन द बॉटम साइड. क्लास इज फ्लोट. दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स इसने z को फ्लोट कंसिडर किया. कैसे किया? इंटीजर क्यों नहीं किया? देयर इज अ रीजन. द रीजन इज, पहली बात तो इंटीजर प्लस फ्लोट मिलके फ्लोट बना. एंड डेट्स वाई द आंसर इज कमिंग 12.8. क्लियर? सो अगर आप इस थ्योरी को ऑब्जर्व करें, जो आप प्रैक्टिकली भी आपने चेक किया है इसको अभी, तो z का टाइप इंट नहीं बना, फ्लोट बना. डैट मीन्स ये भी डेटा का फॉर्म है जहाँ पे डेटा ने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया. x प्लस y कन्फ्यूजिंग कंडीशन था, इंटीजर फ्लोट दोनों को ऐड किया तो फ्लोट बना और z का टाइप फ्लोट हुआ ना कि इंटीजर. तो दीज काइंड ऑफ टेक्निक जहाँ पे हम एक फॉर्म ऑफ डेटा से एक फॉर्म ऑफ डेटा को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली द वैल्यू ऑफ x हैज बीन चेंज फ्रॉम इंटीजर एंड देन नाउ डैट इज गिविंग इट्स वैल्यू टू ए फ्लोट वेरिएबल. तो ये एक तरह का डेटा प्रमोशन है. प्रमोशन हुआ है. क्यों प्रमोशन हुआ है? क्योंकि x इज इंटीजर, y इज फ्लोट. तो फ्लोट हैज अ हायर साइज, इंटीजर हैज अ लोअर साइज एज कम्पेयर विद अ फ्लोट. तो प्रायोरिटी फ्लोट को मिली है. ठीक है, फ्लोट का 8 बाइट्स होता है स्टूडेंट, इंटीजर 4 बाइट्स का होता है इन द पाइथन. द पाइथन का एक इंटीजर वेरिएबल ऑक्यूपाई 4 बाइट ऑफ मेमोरी एंड पाइथन का एक फ्लोट वेरिएबल ऑक्यूपाई 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी. तो आप चेक कीजिएगा किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है. प्रायोरिटी ऑफ फ्लोट इज हायर दैस कम्पेयर विद द इंटीजर. देन इन दैट केस दोनों को अगर हम सम करेंगे तो इंटरप्रेटर पहले ये चेक करेगा कि प्रायोरिटी ज़्यादा किसकी है, किसको ज़्यादा डेटा कंजम्पशन होता है. फ्लोट का होता है, इसीलिए पूरा जो एक्सप्रेशन है वो फ्लोट में ही रिजल्ट को जनरेट करेगा. लेकिन आप मुझे ये बताइएगा, मी एज ए प्रोग्रामर, मैंने इसमें डेटा प्रमोशन कुछ नहीं किया. मैंने नहीं कहा कि x प्लस y को आप फ्लोट कन्वर्ट कीजिएगा. लेकिन देर आर सम रूल एंड द रूल सेज जिस वेरिएबल की जितनी ज़्यादा प्रायोरिटी है, जो वेरिएबल जितना मेमोरी ऑक्यूपाई कर सकता है उसके अकॉर्डिंग ही उसको पूरा उसके अकॉर्डिंग ही बेसिकली हम उसको असाइन करेंगे. तो जिसकी हायर प्रायोरिटी है वही वेरिएबल हमारा मेजोरिटी में या डोमिनेंट रहेगा. तो यहाँ पे इस केस में x प्लस y में y इज हैविंग अ फ्लोट वैल्यू. फ्लोट वैल्यू का साइज 8 बाइट्स का होता है. 8 x
इंटीजर वैल्यू है 4 bytes का होता है पाइथन के अकॉर्डिंग, तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, जिसका डोमिनेंसी ज़्यादा है, तो उसी के अकॉर्डिंग पूरा एक्सप्रेशन जो है वो उसी की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? डेट्स वाई नाउ जो डेटा जनरेट हुआ एक्सप्रेस वाई से वो हुआ 12.8। तो जेड को जब 12.8 मिलेगा तो जेड अपने टाइप को भी फ्लोट में कंसिडर करेगा। तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का मतलब बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, कि जहाँ पर यूज़र ने या प्रोग्रामर ने इंटरफेयर नहीं किया, इंटरप्रेटर ने अपने आप ही डेटा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। डेट एक्चुअली इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। क्लियर? यू कैन राइट द कंडीशन लाइक प्रमोशन ऑफ डेटा टाइप फ्रॉम लोअर टू हायर, मतलब जो भी लोअर डेटा टाइप्स होते हैं लाइक इंटीजर एक्स जो हमने प्रोग्राम में अभी यूज़ किया है, उसको प्रमोट किया गया और उसको हायर उस फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, मतलब उसको हमने क्या करा, फ्लोट फॉर्म में ही कन्वर्ट करवा दिया। क्लियर? सो डेट एक्चुअली इज अ वेस्ट एंड हाउ द इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग वर्क्स इन द प्रोग्राम। सो थैंक यू वेरी मच, एंड इफ एनी डाउट इज देयर इन द प्रोग्राम यू कैन आस्क मी, एंड इवन यू कैन गिव मी द कमेंट सेक्शन पे, कमेंट लिखिएगा कि सर एनी डाउट इज देयर, आई विल गिव द प्रॉपर रिप्लाई ओवर देयर। क्लियर? ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।